कब हम यूज करते हैं स्पेशल केस और कब, अगर वही बोला जाता ना कि 1 किलोमीटर पे गया है, बताओ कितना वहां पे ग्रेविटी वेट होगा। तो 1 किलोमीटर के लिए तो हम लोग वहां पे ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, 1 - 2h2, ठीक है। और पता देखो जो तुमको मैंने क्वेश्चन कराया ना, बच्चे क्या करते हैं अधिकतर यही वाला फॉर्मुला रट जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या करेंगे, वो कुछ भी पूछने का है, ठीक है, वो हमेशा ये वाला यूज कर ले, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तुम अगर हर बार ये वाला यूज करते हो ना, तुम्हें गलत आंसर मिले। जब हमारी हाइट बहुत बड़ी चली जाती है तो हम ये वाला फॉर्मुला यूज नहीं कर सकते, दिस इज फॉर स्पेशल केस ओनली, ठीक है। और एंट्रेंस पे पता है अब वो लोग जहाँ मुझके ऐसा सवाल पूछे कि बच्चा फंस जाए, तुमको ध्यान रखना है कि दिस इज टू बी यूज ओनली व्हेन हाइट इज अबाउट 10 किलोमीटर या उससे कम। आगे बढ़ते हम लोग, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, अब हम लोग गहराई में जाएंगे, ठीक है। और देखो देखो ये वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ की अगर हम बात करें ना, तो जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वहां पर भी कम होती है, ठीक है। वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी उसको जरा देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, माइनिंग होती है ना कोयले की खान में, वो लोग क्या करते हैं अंदर जाते हैं और अंदर जाते जाते वो चले जाते हैं, मान लो अंदर डेप्थ, ठीक है। अब यहां पर ग्रेविटी ऑन द सरफेस मान लो जी है, यहां पे जाकर के जो ग्रेविटी है ना वो कितनी होगी, हमको निकालनी है। अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड हमको बताना कि यहाँ पर कितनी होगी ग्रेविटी। हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या पता, जी पता है हमको सरफेस का, हमको कितनी गहराई में गया वो पता है, और अर्थ का रेडियस हमको पता है, ये तीन चीज हमको पता है। अब देखो यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो याद करना है कि हमारे हमको इसको दो पार्ट में स्टडी करना है। एक ये अर्थ का कोर पार्ट होगा, ये क्या अर्थ का कोर पार्ट, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट हुआ ना, ये शेल पार्ट हो, कैसा पार्ट हुआ, ये शेल पार्ट। जब हम पी की बात करते हैं ना, तो हम अर्थ को दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक ठीक है, ये शेल हो गया, ये पॉइंट प्लस ठीक है, ये खोखला हो गया अंदर से कैविटी टाइप का, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, ये वाला पार्ट बनाता है। दोनों मिलकर के ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट पे स्टडी करेंगे। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये शेल वाले पार्ट को देखो। एक बात ध्यान में रखना कि जो शेल वाला पार्ट होगा ना, इस मास पे अगर मैंने यहाँ पे देखा तो मास को रख दिया m यहाँ पे, तो इस मास पे शेल वाला 0 फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब इस शेल की वजह से यहाँ पे जो एक ग्रेविटी होगा वो 0। ये शेल जो होता है इस मास पे कोई भी तरह का फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट कारण है ना, ठीक है, ये तुम लोग 12th में आकर के सीखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
लेकिन मैं तुमको अभी लॉजिक बताता हूँ, वो लॉजिक से ना तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हाँ तुमको लगेगा कि सर सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा पूरा जीरो फोर्स एग्जर्ट करेगा। देखो लॉजिक क्या है, मान लो तुमने ये वाले पार्ट पे देखा, ऊपर में बहुत सारे मास होंगे ना, ये अलग अलग मास इस मास की इधर खींचेंगे, ठीक है। ऊपर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो लेस है, पार्टिकल्स देखो ऊपर में कमी है ना, नीचे में देखो पार्टिकल ज्यादा है, तो फोर्स भी कैसा होगा, लेस होगा। पार्टिकल्स कम होंगे तो खींचने वाले फोर्स भी तो कम ही होंगे ना, कम मास तो कम फोर्स। दूसरी बात, यहां पे लेकिन पार्टिकल्स नियर है, नजदीक है, नजदीक होने से हम क्या बोलेंगे, फोर्स कैसा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम नीचे वाले पार्टिकल्स की बात करें ना, तो नीचे में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है दूर दूर है, ठीक है। पार्टिकल ज्यादा तो फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, लेकिन पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा, डिस्टेंस मोर है, फार अवे ना, फार अवे होने से क्या होता है, जो फोर्स की वैल्यू होगी ना, ठीक है, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो लेस हो जाएगी। अब देखो ये कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करता है ना, ठीक है, कि इसका मोर और लेस, इसका मोर और लेस ऐसा एडजस्ट करेगा कि ये वाले पॉइंट पे जो शेल की वजह से जो फोर्स होगा ना वो कितना हो जाएगा, जीरो। शेल की वजह से उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से होता है, खाली कोर पार्ट की वजह से, खाली कोर पार्ट का जो मास होता है ना वो वहां पे एक्सेलरेशन पे भी करता है, ठीक है। तो ये मैं स्टेटमेंट में लिखता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एट पॉइंट पी, इसको नोट करना, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेल पार्ट इज जीरो, एक्सेलरेशन इज कंट्रीब्यूटेड only due to core part, the core part खाली acceleration produce करता है। अब कितना करता है वो देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर दो सबके। ये वाला इसकी पढ़ाई हमने दो हिस्सों में बांट दी थी, एक ये हिस्सा और दूसरा ये हिस्सा, ये हिस्सा हमने पढ़ लिया जीरो आर, बचा ये हिस्सा, अब पढ़ते हम लोग आगे आते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू कोर पार्ट, ये हो जाएगा जी डैश, जी एम डैश बाय आर माइनस जी का स्क्वायर, समझो इस चीज। इसका मास कितना बोला हमने, m डैश, पूरे अर्थ का मास कितना हो सकता है, m होता पूरे अर्थ का मास, इसका मास तो कम होगा ना, तो इसका मास g m डैश। इसकी दूरी सेंटर से कितनी होगी, देखो ये पूरा रेडियस r है यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा, r माइनस g नहीं हो जाएगा, g का सफा r माइनस, ठीक है। आ रही बात सबको समझ में, इसको मैं क्या ले सकता हूं, gm dash r माइनस g का स्क्वायर, दिस इज g। लेकिन हमने क्या बोला, हमको समझ में तब आती है कोई बात, ठीक है, जब हम उसका कोई कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो जैसे g dash का कंपैरिजन g के साथ होना चाहिए, तुम अगर आलू लेने के लिए जाओगे तो बोलोगे आलू दो, तुम बोलो वो पूछेगा कितना, बोला देना दे दो मतलब कितना दे दो, तो वो तुम बोलोगे ना एक किलो, कंपैरिजन करके तुम लेते हो ना कोई चीज को, तुमको समझ में आती है, ठीक है। तो हमको जी डैश को कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या, जी है,
हमको पता जी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी डैश को मैं क्या ले सकता हूँ, जी, ठीक है। अब ये एम डैश को मैं क्या ले सकता हूँ, जी एम डैश को मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटू 4/3 वॉल्यूम ऑफ द कोर पार्ट, अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर ना, ये हो गया ना। एम डैश कितना होगा, इतना सा मास पूरी अर्थ के लिए, डेंसिटी तो हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि पूरी अर्थ की डेंसिटी सेम नहीं हो सकती है, कहीं पानी होता है, कहीं नीचे में आयरन होता है, निकल होता है, लेकिन एक बार के लिए मान के चलते हैं कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, नहीं तो कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कितना होगा मास, मास हो जाएगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 आर माइनस डी का क्यूब, ठीक है, इंटू, हेलो, इंटू डेंसिटी, ये इसका मास हो जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द शेल, जी डैश कितना हो जाएगा, देखो तो ये कट जाएगा ना, इसके साथ बचेगा जी इंटू 4/3 पाई रो इंटू आर माइनस डी, ऐसा हो ना, ये रो बच जाएगा, 4/3 बच जाएगा, पाई बच जाएगा, इस से सब बच जाएगा। अब डी डैश को कंपेयर करना जी के साथ, प्रॉब्लम यहाँ पे रो आ रहा है, यहाँ तो मास है ना, इसको एक काम करो चेंज करो तो रो वाले फॉर्म में, मास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी आर का स्क्वायर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। बड़े का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना, पूरे का वॉल्यूम देखा जाए तो पूरे का मास क्या हो जाएगा, पूरे का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मान दो उसको आर बचेगा, जी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, ये हो गया हमारा जी। अब देखो डेंसिटी डेंसिटी कितना उसमें आ रहा ना, तुम क्या ले सकते हैं, ये इक्वेशन वन मार्क पकड़ लो, इसको इसको नंबर टू बना दो, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं जी डैश इक्वल टू, अब देखो तो 4/3 पाई रो जी, 4/3 पाई रो जी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये जो इतना सा पार्ट जो है ना, इसको मैं ले सकता हूं जी डैश बाय जी बाय आर लिख सकता हूं इसको ना मैं, देखो तो यहां से ये सेम चीज लिख रहा ना, तो लिख दिया मैंने जी बाय आर, सॉरी ये रेडियस नहीं होगा, ये वाला पार्ट इसको और इसको देख लो, ये और ये तो नीचे भेज देंगे, ये क्या 4/3 पाई जीरो, 4/3 पाई जीरो, ठीक है, जी बाई आर हो जाएगा ना, इंटू आर माइनस डी, जी डैश क्या हो जाएगा जी आर को अंदर भेज दो, आर बाई आर वन माइनस डी बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटी एक्टिंग इन साइड द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेशल केस नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल जनरल है, इसको यूज करने के लिए इसको तुम कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको फटाफट सबको नोट कर दो, ये डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत थी किसी को भी, अब देखो अब एक सवाल ऐसा आएगा
एट सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सेंटर की बात की जाए तो वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, देखो जी डैश का फॉर्मूला है जी, अगर हम जाते 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 अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाए तो सेंटर पे पहुंच करके मतलब हम कितना डेप्थ कवर करते हैं आर के इक्वल, हम बी आर गहराई अंदर जाते हैं, तो वहां जाकर के जी डैश क्या हो जाएगा, जी वन माइनस आर बाय आर, जी डैश क्या हो जाएगा, ये जीरो, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहां पे जाकर के एट सेंटर ग्रेविटी इज, ठीक है। देखो कोई भी आदमी अर्थ के सेंटर पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहां पे बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे देखो तुम अपने घर में आते हो और मम्मी कुछ खाना बना रही होती है, अब कुकर में क्या है कुछ तुम्हारे एकदम कोई फेवरेट चीज, मान लो दाल मखनी कुछ ऐसे कुछ पकड़ी होती है, अब तुम थोड़ी ना कुकर कुकर खोल के उसके अंदर मुंह घुसा करके देखते हो कि दाल मखनी है, तुमको उसके सुगंध से पता चल जाता है कि घर में आज दाल मखनी बन रही है, राजमा बन रहा है, छोले बन रहे हैं जो कि मेरे फेवरेट है, तुम सुगंध से बता सकते हो कि वहां पे कुछ ऐसा पक रहा है, ठीक है। इन द सेम वे याद रखना मैथ्स भी वो सुगंध है, ठीक है, जिससे कि हम उन चीजों के बारे में बता सकते हैं जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, हम सेंटर पे अटके नहीं आ सकते, लेकिन इस फॉर्मूले से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पे ग्रेविटी कितना होगा, जीरो। ऐसा थोड़ी ना कि हम वेग मशीन लेकर के सेंटर पे जाएंगे और फिर जाके पे वजन नापेंगे और देखेंगे अरे हमारा वजन तो जीरो आ रहा है, मतलब ग्रेविटी जीरो, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गई है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, बोलोगे ना कि क्वेश्चन ही है 17 का ही, बोला गया कि अर्थ है और 1 किलोमीटर ऊंचाई पे, यहां पे जो ग्रेविटी है, और बोला गया कि जो ग्रेविटी यहां पर है और जो डेप्थ हम डी डी से आते हैं, ठीक है, यहां पर जो ग्रेविटी है वो सेम है, ठीक है, ऊपर जाओ 1 किलोमीटर हाइट जो ग्रेविटी मिलेगी वही ग्रेविटी आपको डेप्थ डी पे आने के बाद सेम ग्रेविटी मिलेगी, तुम्हें बोला गया है कि बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, नीता बसंती फटाफट बताओ, देखो हाइट बहुत छोटी 1 किलोमीटर है, क्वेश्चन ये है कि हम ऊपर जाते अर्थ के 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पे ग्रेविटी हमको मिलती है जी डैश, और हमने क्या किया हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं अगर हम माइन खोदते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं तो कुछ गहराई में जाने के बाद हमको ग्रेविटी जो ऊपर में मिलेगी 1 किलोमीटर के ऊपर वही हमको नीचे मिलेगी डेप्थ डी पे भी वही ग्रेविटी मिलेगी, तो बताओ डेप्थ डी की वैल्यू क्या होगी, जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर तुमने सीखा था, हाइट छोटी है तो ये यूज कर सकते हो, जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर, ये यूनिवर्सल है हर बार यूज हो सकता है, फटाफट वैल्यू को निकालो, अकल चलाओ, फॉर्मूला बैठाओ, ऑप्शन बताओ,
दोनों के अलग अलग आंसर है। जेसिका चेक करो, रचित चेक करो, तुम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। समर्थ का सही है, दुर्गा का सही है, वेरी गुड। खाली कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है, सी ऑप्शन होगा। जीडा जीडा सेम है ना, दोनों को इक्वेट कर दो, जी डी कट जाएगा, 1 - 2h/r, 1 - h कितना होगा, h तो 1 है, इसको 1 रहने दो, 1 - 2/r इक्वल टू 1 - d/r, 1 बन गया, -2/r, -2 कट गया, दो किलो, ठीक है नहीं? लेकिन देखो सवाल दो लाइन का है, लेकिन यहां तुम्हारे दो कंसेप्ट यूज, तीन कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, तुमको ये बात पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है, क्योंकि हाइट जो है आर से बहुत छोटी है, और तुमको ये है ना। तो देखो कंसेप्ट इस पे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर देखा जाना इस सवाल में कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो इस सवाल में बहुत कुछ है। दोनों कंसेप्ट आ गए इसमें, है ना, क्लियर हो गई सबको बात समझ में। एक लास्ट चीज इस पे, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा। ग्राफ के बाद बोला गया कि तुम क्या कर रहे हो, अर्थ के सेंटर पे तुमको भेज दिया गया, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम सेंटर से ऊपर जाओगे, ठीक है, चल चल के चल चल, वैसे वैसे ग्रेविटी का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी। तो अभी हमने देखा सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो होती है जी डैश इक्वल टू जी 1 - d/r, ये d क्या थी, डेप्थ था ना। अगर मान लो ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं सेंटर से अगर x है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी r - d/r, और इट इज आर, आर इज रेडियस, डी बाई डी जब था, आर माइनस डी क्या होगा, एक्स होगा ना। देखो तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, सेंटर से अगर हम जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, बढ़ती है ना, रेडियस। और सीधी सी बात है, लॉजिकल देखो ना, सरफेस पे आ गए, एक्स हो गया हमारा आर, आर आर कट गया, डीडा शिकोशी जी। तो एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। बात सबको समझ में आ रही है, अगर हमको सेंटर पे भेज दिया जाए, ठीक है, तो हम सेंटर से जैसे जैसे ऊपर आएंगे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तब तक बढ़ेगी जब तक है चांद, तो जब तक की रेडियस कम पहुंच जाए, ठीक है। ग्रेविटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सरफेस पे ग्रेविटी कितनी हो गई, आर के इक्वल हो, जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, सरफेस पे ग्रेविटी हो जाएगी जी के इक्वल, है ना। जब एक्स कितना हो जाएगा, आर के इक्वल, ये हमारा क्या है, एक्स है, एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी बढ़ रही है। अब देखो, और ये स्ट्रेट लाइन है, देख लो ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हाँ जहां पर अभी हम है ना, ठीक है, ग्रेविटी वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, दैट इज अ मैक्सिमम ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे आप बाहर निकले, अर्थ के बाहर निकले, अब क्या होगा, एक्स बढ़ेगा, जैसे बाहर निकलेंगे ना, तो तुमको पता ही है
कि बाहर ग्रेविटी का फॉर्मूला था जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर था ना, आर प्लस एच मतलब क्या हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स दूरी हो गई सेंटर से, बाहर निकल जाते हैं तो आर प्लस एच इज इक्वल टू एक्स ना, देखो ये आर प्लस एच, अब बाहर चले जाएंगे तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होगी, अब घटेगी, एक्स स्क्वायर आर, तो ये कर्व पाथ फॉलो कर। ये हमारा बन गया। अच्छा कब देखो ग्रेविटी जो है, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, ग्रेविटी जो है सेंटर पे कितनी जीरो है, आर पे मैक्सिमम है, और अगर हम चले जाते इनफिनिटी डिस्टेंस पे बहुत दूर, यहां से हम चले जाते हैं लाखों लाख किलोमीटर दूर, ठीक है, तो वहां वहां पे जाकर के ग्रेविटी क्या, वहां पर जाकर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये होता है इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी हम दिखा नहीं सकते ग्राफ पे, इसलिए तुम इसको और इसको टच करते हुए नहीं दिखा सकते। अगर देखो ये बताओ, ये वाला सवाल जो है ना आईआईटी मेंस में और बोर्ड में और नेट में बार बार पूछा गया है, ठीक है, नेट में दो बार पूछा गया है, आईआईटी के मेंस से पूछा गया है, बोर्ड में आता ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान क्या रखना कि अगर तुमको बोलो ऑप्शन ऐसा दे देंगे ना, ठीक है, और अगर ऐसा ऑप्शन दे देंगे ना, तुमको कान खड़े रखने अपने, इसको ही चुनना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी दिखा नहीं सकते, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, व्हाट इज एक्स हियर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज जी हियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेन इज इट मैक्सिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, फिर डिक्रीज, तुम देख भी सकते हो, अगर हमने एक्स को यहाँ पे आर पुट कर दिया तो फिर से हमको जी मिल जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, नाम क्या है ग्राफ का, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, आज के लिए काफी इतना, जितना मैंने पढ़ाया ना घर पे उसको अच्छे से पढ़ जाना, मैं एक क्लास और लूंगा ठीक है, शायद से दिवाली में, ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीवन।